अब हम लोग मौसमी कैब्स में आए हैं जो कि सेवन सिस्टर की बिल्कुल बगल में है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है। चलते हैं, देखते हैं आगे है क्या। काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट आने वाला है। अबाउट 80 to 90 स्टेयर्स आफ्टर आई रीच्ड हियर। देखिए एक्सक्यूज मी, ये भी मॉस माई कैप्स देख सकते हैं आप। यहाँ काफी अंधेरा है, तो कैसा लगा आपको? भूतावा टाइप का लग रहा, डर लग रहा है। अच्छा ऐसे क्या, चलिए देखते हैं इनके एक्सपेक्टेशन कहाँ तक सच होती है। अगर यहाँ अंधेरा रहता हो सकता था, अगर ये लाइट न जला। ओह ये देखिए यहाँ लाइन लगना पड़ रहा है, यहाँ लाइन लगना पड़ रहा है। He's doing right। ये देखिए अंदर आ चुके हैं, अब हम अंदर आ चुके हैं, देखते हैं कहाँ तक निकलते हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए लाइन लगा हुआ है, देख सकते हैं लोग सेल्फी ले रहे हैं यहाँ भी इस अंधेरे में भी। देखिए इनका चेहरा कैसा है, फिर भी सेल्फी। लोग आजकल इतने हो गए चेहरा दिखे या ना दिखे पर सेल्फी लेना जरूरी होता है। देख रहे हैं प्लेस के साथ यहाँ फोटो लिया जा रहा है सेल्फी। ये क्या है? स्माइल कैप्स है। देखते हैं अंदर का दृश्य कैसा है, लाइन लगी हुई आगे। तो कैसा फील हो रहा है आपको इस गुफा के अंदर? ठंडा माहौल है इधर, ठीक है, और माहौल ठंडा है इधर। तो जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि यहाँ पे अभी काफी ठंडा माहौल है। अब कहीं कहीं देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी भी रिसता हुआ दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं थी, कोई बल्ब नहीं था, इसलिए काफ़ी अंधेरा था। अब यहाँ का रास्ता भी काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हैं निकलने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और काफ़ी वेट भी करना पड़ता है। तो काफ़ी भयानक लग रहा है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, हमारे कुछ साथी पहले ही रिटर्न जा चुके हैं और बाकी पीछे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे रास्ता कितना छोटा है, काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, फिर भी हम अंदर जा रहे हैं। काफ़ी एडवेंचरस है ये। देख सकते हैं आप यहाँ लोग कैसे सेल्फी ले रहे हैं। बस ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं लोग अंदर कैसे कैसे जा रहे हैं। यहाँ भी सभी सेल्फी ले रहे हैं, जहाँ सबको मौका मिलता है वहाँ सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। जहाँ भी थोड़ा सा भी स्पेस होना चाहिए बस सेल्फी शुरू हो जाते हैं सभी लेना। यहाँ मुझे लगभग 10 मिनट खड़ा रहना पड़ा, तब जाके आगे रास्ता मिला जाने के लिए, निकलने के लिए। मैं करीब यहाँ 10 मिनट से खड़ा हूँ, फिर मुझे अब यहाँ से निकलने का रास्ता मिला। लाइन लगी हुई रहती है जहाँ रास्ता छोटा हो जाता है वहाँ पे। देख सकते हैं आप कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है बाहर निकलने के लिए, रास्ता कहीं कहीं काफ़ी छोटा है।
देख सकते हैं यहाँ भी लंबी कतारें हैं और अंधेरा भी काफ़ी है। वो तो बल्ब की व्यवस्था अंदर, इसलिए थोड़ा बहुत रोशनी कहीं कहीं मिल जाता है। काफ़ी एडवेंचरस है, ये नेचुरल है। देखिए यहाँ भी पानी रिस रहा है। देखिए यहाँ पे फोटो स्पॉट बनाया गया है, सभी फोटो ले रहे हैं अपनी अपनी, और ऊपर से सूर्य की किरणें भी आ रही है, और अब हमारा बाहर निकलने का रास्ता भी सामने दिख रहा है। तो चलिए अब पार्क की ओर चलते हैं। काफ़ी डरावना है अंदर, एडवेंचरस भी। चलिए अब बाहर आते हैं। अब हम बाहर आ चुके हैं। काफी एडवेंचरस था, कमजोर दिल वाले को काफी डर लग सकता है। अंदर काफी 25 मिनट लग गया मुझे अंदर से बाहर आने में। बहुत मजा आया, बाहर आकर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर ऐसे दो रास्ते थे, लेकिन एक रास्ता अर्थक्वेक के कारण बंद हो चुका था, तो काफी डरावना था, एडवेंचरस भी। देखिए सामने उसी रास्ते से हम अंदर गए थे, और यहाँ बगल से हम बाहर जा रहे हैं। तो चलते हैं अब फिर से नई जगह। मैं तो बाहर आ गया, कुछ लोग अभी भी अंदर ही है। तो कैसा लगा आपको अंदर? बहुत अच्छा लगा, अंदर में बहुत डिफिकल्ट है, आगे ऊपर नीचे चढ़ने में बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, एडवेंचर टाइप से है, थोड़ा भयानक टाइप का, डरावना टाइप का, डर भी लग रहा था। नहीं डर तो नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ का फीलिंग काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ही अलग फीलिंग था।